व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कम्युनिटी में ऐसा, मतलब आप लोगों का नज़र में ऐसा इमेज बन चुका है मेरा, कि हमको केएफ कैरेक्टर से नफरत है कि भाई ये आदमी को तो केएफ कैरेक्टर एकदम ही नहीं पसंद, सिर्फ कोलैब पे कोलैब ही चाहिए, बाकी सब इसके लिए बेट है, बाकी सब इसके लिए ट्रैप है, इसको कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं। तो देखो सीन कुछ ऐसा है ना कि हमको केएफ कैरेक्टर बहुत पसंद है। आप लोगों को पता होगा कि हमको कियो, योरी, टेरी, रियो, नेमलेस, इन लोगों को कितना ज़्यादा पसंद है, ठीक। मगर चीज़ ये है, आप लोगों को हमको ऐसा लगता है कि कुछ समय से हम बोल रहे हैं कि भाई ये बैनर स्किप कर दो, वो बैनर स्किप कर दो। इन सभी का कारण सिर्फ एक ही है, बोलो क्या? देखो सोचो, हमको थोड़ा समय दे रहे, सोचो। जब तक एंजल यहाँ कूद रही तब तक आप लोग तो सोच के बताओ कि क्या कारण से आप लोगों को मना कर रहे हैं हम। सोच लिए, समझ गए? अच्छा ठीक है, अगर सोच समझ लिए हो ना, तुमको इतना बताना कि अभी मेरा ऑडियो कैसा आ रहा है, क्योंकि हम कुछ अलग इस्तेमाल कर रहे हैं आज। मतलब हम यूजुअली अपने फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड करते हैं, मगर हम एक नया ईयरफोन खरीदे हैं। अगर आपको जानना हम कौन सा इस्तेमाल करें, तो ये ओप्पो का एनको M32, ठीक है, ये आज ही आया है। तो आप लोगों को बताना, क्योंकि हमको तो थोड़ा ठीक ही लगा है, मगर आप लोगों को सुनने कैसा लगा हमको ये ज़रूर बताना। तो अब हम लोग बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम के बारे में कि भाई क्या सीन है। तो सीन ऐसा है ना कि जो केएफ के कैरेक्टर्स हैं, इन सभी का देखो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि ये सभी कैरेक्टर्स ले दे के रिटर्न आने ही वाले हैं। अभी नहीं आएंगे, बाद में ज़रूर आएंगे। देखो सेम चीज़ हम लोग जब SSBS कैरेक्टर आए थे उस समय भी वही था, हम लोग के उस समय सब पूरा जोर से समन कर दिए, मगर अब देख रहे कि ये कैरेक्टर यहाँ तक हम लोग फ्री में भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग कुछ लोग बोलो कि भाई वो कैरेक्टर इतने पावरफुल थे इसलिए उनके पीछे समन करना एकदम ज़रूरी था, जिसको हम बोलेंगे आप एकदम सही हो, आप कहीं से गलत नहीं हो। मगर चीज़ ये आप लोग देख रहे हो ना, तुरंत तुरंत में हम लोग पास जो कैरेक्टर्स नए आ रहे हैं ये सब कितना ज़्यादा पावर क्रीप लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग वंस इन अ वाइल एक बैनर पूरा ही स्किप कर देते हो तो आप लोग कहीं भी नुकसान में नहीं हो। और कोलैबोरेशन को लेकर हम इसलिए बोलते हैं कि सेव करने के लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर्स का कोई भरोसा नहीं, वो लोग कब फिर रिटर्न आएंगे, ठीक है, और देर आर हाई चांसेस कि वो रिटर्न ना भी आए कभी भी, ठीक है। तो इसी कारण से हम बोलते हैं कि भाई सेव करो सेव करो, मगर हमको लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि ये आदमी को एकदम नहीं पसंद है केएफ कैरेक्टर्स, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको बहुत ज़्यादा पसंद है केएफ कैरेक्टर्स, मगर अब जब बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है हम लोग का कोलैबोरेशन आए हुए, और इसी कारण से हमको लगता है कि इस बैनर के बाद तो शायद कोलैबोरेशन आ ही जाएगा। और अगर नहीं आया ना, तो आप लोगों का मर्जी, आप लोग जो करना है करो, आप लोग सेव करो, आप लोग इस बैनर पूरा अपना रूबीज ज़ीरो कर दो। हमको अब कुछ बोलना ही नहीं, क्योंकि मेरा पहली प्रेडिक्शन दो बार गलत हो चुका है, ठीक है। हम बोले क्रोनन बैनर के बाद आने वाला है, हम लोग पास वाइफ को बैनर आ गया। और हाँ, बात रही ट्रैप बैनर का, तो देखो ट्रैप हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बात ये नहीं कि वो कैरेक्टर्स ख़राब हैं, बात है बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग अपने शोमी को देख लो या फिर आप लोग लेडी चॉय को देख लो, जो भाई बिना अवेकन हुए बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। अगर आप लोग पता हम क्या बोल रहे हैं तो हमको कमेंट ज़रूर बताना, ठीक है। मगर चीज़ वही है कि ये ट्रैप इसीलिए क्योंकि इतना बढ़िया है, ये आप लोगों को मजबूर कर देंगे भाई समन करो हमारे लिए, ठीक है। मगर अब आप लोगों को सख्ती से करना पड़ेगा कि भाई नहीं, समन तो नहीं करेंगे, हमको कोलैबोरेशन चाहिए। अब देखो चीज़ ये हो जाएगा कि जस्ट इनकेस अगर आप लोग बोले भाई ये कोलैब तो मेरा पसंद का है ही नहीं, ये कोलैब को पसंद नहीं, तो फिर क्या, तब तो फिर वो आप लोगों का पूरा रहेगा कि भाई इनके समन करना सही रहेगा कि नहीं, या फिर आगे आप लोग किसी और बैनर के लिए समन करोगे, या फिर आप लोग उस बैनर पूरा अपने सर्विस लगा दोगे, क्योंकि ये गेम ले दे के आप लोगों को अपने हिसाब से खेलना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी बताते हैं, जो हमको लगता है आप लोगों का बेटर होगा, हम वो आपको बताते हैं। मगर इन केस अगर आप लोगों को मेरे थॉट्स सही नहीं लगते, आप हमको कमेंट जरूर बताना, क्योंकि देखो अपडेट होना अपन के ज़रूरी है। और चलो थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ 3500 पॉइंट्स कर पाते हैं कि नहीं। तो हाँ देखो, इन द नटशेल आप लोग सोचो भाई ये क्या वीडियो था, इसमें क्या बात हुआ, तो इसमें यही बात हुआ कि अगर आपको कोई कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद, जो कि हम पहले ही बोले हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए समन कर दो, उसके लिए समन कर दो। जैसे कि हम, आप लोगों को याद होगा कि नेमलेस और ऐश के टाइम हम समन किए, तभी हम ऐश को 3-स्टार पर लेकर गए। मग क्या हम आज उस ऐश को लेकर खेल रहे हैं? नहीं, क्योंकि ऐश से कई गुना ज़्यादा ताकत तो कैरेक्टर अब मेरे पास हैं, ठीक है, भले वो मेरे को ना भी पसंद हो। तो इसी कारण से चीज़ यही है कि अपने को थोड़ा सोच समझ कर अभी रूबीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बैनर्स तो आते जाते हैं, ये गेम है, ठीक है, ये
ये एक बिजनेस है तो इसमें से वो लोग प्रॉफिट निकालेंगे ही। अब वो लोग कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जो आप लोगों को पसंद आए, जो हमको पसंद नहीं है, मगर इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को जैसे चल रहा है उसको ऐसे उसी हिसाब से खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और तो बस हाँ, चीज़ यही था जो हमको लगता आप लोगों को हमको शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो गाइस चलो थोड़े देखते हैं कुछ मिलता है क्या नहीं। और हाँ, आप लोगों का गाटो किस लेवल पर गया हमको नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि हम फिलहाल गाटो के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक। और एक चीज़ था गाटो को लेकर, हम इसे नोटिस किए कि अगर आप लोग इस कैरेक्टर को देखो, ठीक है, हम तो कोडेक्स में, क्योंकि मैं कैरेक्टर आ चुका ऑलरेडी, तो ये गाटो भाई साहब जो हैं इनके आसपास कोई ऑरा नहीं है, ये ऐसा क्यों? इसको सस्ते में निपटाने की कोशिश की है क्या? देख रहे हो, नो ऑरा, कुछ नहीं है। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग अभी दिखाते हैं, ठीक है। किसी और एसएस कैरेक्टर, किसी भी और एसएस कैरेक्टर को ले लेते हैं। हम लोग काम करते हैं जैसे कि किंग को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि किंग पास फायर ओवर तो कुछ है नहीं। और फिर भी आप लोग यहाँ देखोगे एक चीज़, ये भी खुल जाएगा, आप लोगों को दिखाई देगा, ये देख रहे हो, इसके चारों तरफ ये जो घूम रहा है, ये ऑरा जो है। और यही सेम चीज़ हम लोग और भी कैरेक्टर्स के ऊपर देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग का एसएस क्यू, एसएस योरी, इनका तो अपना फ्लेम ही इनके ऊपर जलते रहता है। फिर आप लोग टेरी को ही ले लो, टेरी के आसपास भी अर्थ का की हम लोग का जो है वो उड़ते रहता है, आप लोग अभी देखोगे लेविटेट करते रहता है, देख रहे हो ये। अब गाटो के लोग ऐसे क्यों किए, आई डोंट नो, मगर हमको आप लोग ये बताना कि आप लोग इस वीडियो से क्या लेकर जाओगे कमेंट सेक्शन में, हमको नीचे ज़रूर बताना। और वीडियो को जाकर लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।